स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में देखेंगे 9 क्लास का इंग्लिश का MCQ। पूरा एक ही वीडियो में कोशिश करेंगे पूरा बुक का जितना भी चैप्टर पढ़ना है इस एग्ज़ाम में, टर्म वन के एग्ज़ाम में 2021-22 टर्म वन एग्ज़ाम में, उस सारा क्वेश्चन सारा चैप्टर एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे, है ना। तो पूरा वीडियो देखिएगा लास्ट तक ताकि आपसे एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्स्ट बुक बीहाइव जो नाम है किताब का, पहला चैप्टर A1 में है, द फन दे हैड, इसाग एसिमोव द्वारा लिखा हुआ। तो इससे जो क्वेश्चन बन सकता है सारा क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। बाकी इससे पहले देखिए सारा सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, बस इंग्लिश बचा हुआ था, इसलिए सोच रहे इंग्लिश को काहे को छोड़े, इस इंग्लिश को भी कंप्लीट करा दे रहे हैं, ठीक है। उधर ही साइंस, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश ने हिंदी, SST सारा वीडियो अपलोड कर चुके हैं, पूरा कंप्लीट चैप्टर का, है ना, MCQ। और मॉडल पेपर जितना भी आया था 9 क्लास का, सारा मॉडल पेपर का भी सॉल्यूशन दे दिए हैं। तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, सारा वीडियो मिल जाएगा, इसे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देंगे या वीडियो के लास्ट में स्क्रीन में भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जा करके देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन में आते हैं, हु रॉट द फन दे हैड, इसको कौन लिखा है, द फन दे हैड, तो यहाँ पर नाम लिखा हुआ है राइटर का, इसाग एसिमोव, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मार्जी वाज द डाउटर ऑफ, ये किसकी बेटी थी, मिसेस जोन्स, पहला ऑप्शन, ठीक है। मार्जी वाज द डाउटर ऑफ मिसेस जोन्स, हु वाज मिसेस जोन्स, तो मार्जिस मदर है, इसका जस्ट उल्टा क्वेश्चन है ना, ये मार्जी जो थी वो कौन थी, तो इसकी बेटी थी, तो यहाँ उल्टा का पूछ दिया कि मिसेस जोन्स कौन थी, तो वो उसकी माँ थी। टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक, थ्री ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, स्कूल से नफरत करती थी। द स्टोरी द फन दे हैड इज सेट इन फ्यूचर, फ्यूचर में सेट करता है, फ्यूचर, तीसरा ऑप्शन सही है। व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी, अपनी डायरी में क्या लिखी, टॉमी फाउंड ए रियल बुक, टॉमी फाउंड ए रियल बुक, सेकेंड ऑप्शन। मार्गी स्कूल रूम वाज, उसका स्कूल रूम कैसा था, नेक्स्ट टू हर बेडरूम, उसके बेडरूम के आगे था। मार्गी एंड टॉमी लर्न खाली स्थान सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहा था, पढ़ रही थी वो लोग, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड मैथमेटिक्स, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। मार्गी वाज डूइंग बैडली एट खाली स्थान, यानी ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में वो बैडली मैंने थोड़ा कमज़ोर थी। हु वाज द राउंड लिटिल मैन विथ ए रेड फेस, द कंट्री इंस्पेक्टर, रेड फेस के साथ कौन आदमी था, छोटा आदमी राउंड कर रहा था, तो कंट्री का इंस्पेक्टर था, द कंट्री इंस्पेक्टर। अकॉर्डिंग टू द कंट्री इंस्पेक्टर मार्गी प्रोग्रेस वाज खाली स्थान सेटिस्फैक्ट्री, उसके अनुसार उसका जो प्रोग्रेस था वो सेटिस्फैक्ट्री से सेटिस्फाइड करने लायक था। व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स डिड मार्गी एंड टॉमी हैव, टॉमी और उसके पास कैसा टीचर था, तो मैकेनिकल टीचर्स, मैकेनिकल टीचर्स आंसर हो जाएगा। हाउ ओल्ड वाज टॉमी, टॉमी कितना वर्ष था, साल का था, 13 साल, 13 ईयर। हाउ ओल्ड वाज मार्गी, मार्गी कितनी साल की थी, 11 साल की है। हु आर मार्जी एंड टॉमी, दोनों कौन थे, तो दोनों नेबर्स, पड़ोसी थे दोनों। हु इज द मेन कैरेक्टर ऑफ स्टोरी द फन दे हैड, इस स्टोरी में, इस कहानी में मेन कैरेक्टर किसका है, मार्गी का है, ठीक है। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन में है, ऑन विच डेट डिड मैरी मेक एन एंट्री इन हर डायरी अबाउट स्कूल, 12th सितंबर 2157, बाप रे 2000 अभी चल रहा है, 2157, 100 साल बाद का है। मार्जी मदर सेंड हिम टू, देखिए हम किताब नहीं पढ़े हुआ है ना, बुक नहीं पढ़े, जो यहाँ पे क्वेश्चन है आंसर है उसी को बता रहे हैं ना, हम पढ़े नहीं, इसलिए अगर कोई एक आध क्वेश्चन गलत होगा तो देख लीजिएगा, है ना, इसमें जो आंसर दिया हुआ है बर्मा प्रेस में उसी को हम बता रहे हैं, क्या हम पढ़े नहीं कहानी सब। मार्जिन मदर सेंड हिम टू कंट्री इंस्पेक्टर के पास भेजी,
मार्जी हैड टू सबमिट हर होमवर्क इन पंच कोड, पंच कोड में सबमिट। तो ये था पहला चैप्टर। दूसरा है 1B का द रोड नोट टेकन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखा हुआ द रोड नोट टेकन। इसका क्वेश्चन भी देखते हैं, ये पोयम एक है, ठीक है। तो इन द पोयम द रोड नोट टेकन द टू रोड्स डाइवर्ज, दो रोड डाइवर्ज कर रहे थे इन ए येलो वुड। इट टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस। दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द पोयम, ये लाइन कौन सा पोयम से लिया गया है? तो ये लाइन लिया गया है द रोड नॉट टेकन पोयम से। द पोयम रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा कौन सा पोयम लिखा गया? तो द रोड नॉट टेकन, ठीक है। अगला क्वेश्चन 3 नंबर, हु इज द पोएट ऑफ द पोयम द रोड नॉट टेकन। तो उसी का उल्टा क्वेश्चन है ना, इसको कौन लिखा है? तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। वाट डू द टू रोड्स सिंबोलाइज इन द रोड टेकन नॉट टेकन। टू दो रोड जो था वो क्या चीज़ का सिंबलाइज किया था, मतलब क्या चीज़ को दिखाना चाह रहा है दो रोड से? तो वो टू वेज ऑफ लाइफ, जिंदगी के दो रास्ते को दिखाना चाह रहा है ना, ऐसा नहीं कि सड़क वाला दो रास्ता। विच रोड वॉज ग्रेसरी एंड वॉन्टेड वेयर, द सेकेंड रोड वॉज ग्रेसरी एंड वॉन्टेड वेयर। द पोएम रोड नॉट टेकन इज अबाउट मेकिंग choices. रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज एन खालिस्तान पोएट, अमेरिकन पोएट थे, अमेरिका का कवि था। द पोएट इन द पोएम द रोड नॉट टेकन ट्रेवल वन द सेकेंड रोड, सेकेंड रोड में ट्रेवल कर। इन विच सीजन द वुड टर्न येलो, ये जो वुड था लकड़ी वो येलो कौन सा सीजन में थे? ऑटमन। वेयर डज द पोएट फाइंड हिमसेल्फ ऑन ए फॉग, कहाँ पाया खुद को? ऑन ए फॉग। व्हाट द येलो वुड्स रिप्रेजेंट, ओल्डर पीपुल, येलो वुड का चीज रिप्रेजेंट कर रहे थे बूढ़े लोगों को। ग्रेसरी पाथ मीन्स क्या होता है? अनयूज रोड, ग्रेसरी पाथ मतलब अनयूज, बिना मतलब कर, बिना काम। द पोएट टुक द अदर पाथ एज इट वॉज फॉल ऑफ खालिस्तान, तो ग्रास। विच रोड वॉज लेस ट्रेवल्ड, कौन लेस ट्रेवल, कौन चला जाता? सेकेंड रोड, ठीक। अगला क्वेश्चन है द साउंड ऑफ म्यूजिक, अगला चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूजिक बिस्मिल्लाह खान द्वारा लिखा हुआ ये कहानी, उसका क्वेश्चन में आते हैं। हु बैन द प्लेइंग ऑफ पोंगी इन द रॉयल पैलेसेस, औरंगजेब ये बंद कर दिया था रॉयल पैलेसेस में उसे बजाना। वे वाज बिस्मिल्ला खान बोम, बिस्मिल्ला खान कहाँ जन्म लेते? दुमरों। बिस्मिल्ला खान मैटरनल अंकल वाज, उसका मैटरनल अंकल कौन था? अली बख्स, तीसरा ऑप्शन सही होगा। बिस्मिल्ला खान वाज डीपली अटैच टू खालिस्तान द गंगा, गंगा से वो डीपली गंगा। बिस्मिल्ला वाज बोर्न ओन, वो जन्म पैदा कब हुए थे? 21 मार्च 1916। विच हाइएस्ट क्लीवियंस अवार्ड इन 2001 डिड बिस्मिल्ला खान रिसीव, कौन सा अवार्ड 2001 में बिस्मिल्ला खान को मिला? द भारत रत्न, भारत रत्न मिला था बिस्मिल्ला खान को। बिस्मिल्ला खान यूज टू सिंग खालिस्तान एज ए चाइल्ड, द भोजपुरी चैता गाने के लिए उस समय यूज कर शुरू में बचपना में। हु इज बिस्मिल्ला खान, कौन था वो? तो ये सहनाई प्लेयर, बिस्मिल्ला खान कौन था? सहनाई प्लेयर। हु इज बिस्मिल्ला खान, अब यो है बिस्मिल्ला खान। वाट अट्रैक्ट टेड बिस्मिल्ला खान द मोस्ट, बिस्मिल्ला खान को सबसे ज्यादा क्या एक्टर करता था? हिज अंकल्स प्रैक्टिसिंग द सहनाई, उसका अंकल प्रैक्टिस कर रहे थे सहनाई का, वो अट्रैक्ट करते ज्यादा। सहनाई वाज नेम्ड बाय ए बार्बर, बार्बर द्वारा नाम लिखा गया, सहनाई लिया गया, बार्बर ने नाम रखा था। बिस्मिल्ला वाज कॉल्ड बाय द नेम खालिस्तान, खान साहब, खान साहब के नाम से वो जाने जाते थे। हु वॉज डायरेक्टर ऑफ द फिल्म कॉल्ड जंग इज द सहनाई, इसका डायरेक्टर कौन था? तो विजय भट्ट।
जंग इज द शहनाई का डायरेक्टर. हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू ग्रेट द नेशन विथ हिज शहनाई ऑन 15th अगस्त 1947 एट रेडफोर्ट. तो बिस्मिल्ला खान पहला इंडियन जो कि शहनाई 15 अगस्त 1947 को रेडफोर्ट लाल किला में शहनाई बजाए. ताहर मॉस्क्यू उस्ताद बिस्मिल्ला खान ऑडिटोरियम इज सिचुएटेड इन, उनका जो ऑडिटोरियम कहाँ था, तेहरान में. हाउ मेनी होल्स डिड इट टेक हिम टू ट्रांसफॉर्म द पुंगी. 7 होल्स पुंगी बजाने. विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर अमंग खान साहब्स फेवरेट हंट्स, खान साहब का फेवरेट हंट विष्णु टेम्पल, विष्णु मंदिर. हु इम्प्रूव द साउंड क्वालिटी ऑफ द फंगे, ये बार बार उसका क्वालिटी को इम्प्रूव किया. विच इंस्ट्रूमेंट वोट द नेम रीडेड नॉइज मेकर, पंगी इसको नॉइज मेकर के रूप में ही कहा जाता था. डुमराव इज ए स्मॉल प्लेस इन बिहार, डुमराव कहाँ है तो बिहार का एक गांव है, वहीं के था ये बिस्मिल्ला खान. रसूल बख्श खान वाज उस्ताद बिस्मिल्ला खान, क्या थे, ग्रैंडफादर, उसके दादा थे, बिस्मिल्ला खान के दादा थे रसूल बख्श खान. अगला क्वेश्चन विंड, अगला चैप्टर विंड, टू बी विंड सुब्रमण्यम भारती के लिखा हुआ पोयम है ये. तो इसका क्वेश्चन देखते हैं. हु वाज द राइट, हु हैज रिटन द पोयम विंड, विंड को कौन लिखा, तो सुब्रमण्यम भारती. हाउ डज द पोएट आस्क द विंड टू कम, विंड टू कम सॉफ्टली, मन आराम से धीरे धीरे लोहर लोहर हवा. व्हाट डज द विंड डू, विंड क्या करता है, तो ब्रेक द शटर्स, स्केच द पेपर, थ्रो आउट, थ्रो डाउन द बुक्स, मतलब सब करता है, ऑल ऑफ दिस. व्हेन विल द विंड बी आवर फ्रेंड्स, हवा हमारा फ्रेंड कब बन जाता है, इफ वी आर स्ट्रॉन्ग, जब हम मजबूत हैं, नहीं तो उड़िया देगा. वी कैन मेक फ्रेंड्स विद द विंड गॉड इफ वी आर खालिस्तान, स्ट्रॉन्ग है ना. सुब्रमण्यम भारती वाज ए ग्रेट तमिल पोएट, वो तेलुगु पोएट थे, कवि थे. इन विच सीजन द वुड टर्न्स येलो, ये फिर से आ गया ऑटम. व्हाट काउजेज ए लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन, द विंड, विंड इसका आंसर हो जाएगा. व्हाट डज द विंड ब्रिंग, विंड क्या लेता है, रेन, बारिश. हु प्रेजेज द विंड एवरी डे, द पोएट, कवि. द विंडो, द विनोज, विंडोज हो गया. एंड क्रशेस देम ऑल, इसका आंसर हो जाएगा द विंड गॉड, विंड कम, उसके बाद डैश, फिर डोंट ब्रेक द डैश ऑफ द विंडोज. तो विंड, विंड कम सॉफ्टली, सॉफ्टली मैंने धीरे धीरे हवा चलेगा तो ब्रेक डाउन नहीं करेगा. शटर्स ऑफ द विंडो, विंडो खिड़की उड़की उठ नहीं तोड़ेगा. हाउ डज, हु डज द विंड मेक फन ऑफ द वीक, हु वॉज एफेक्टेड बाय द विंड, वीक कमजोर है तो वो इफेक्ट करेगा. हु ब्रोक द डोर्स ऑफ द विंडो, विंड हवा जो है दरवाजा खिड़की का को तोड़ सकता है, खिड़की दरवाजे. तीसरा चैप्टर में आते हैं 3A में, तो इसका नाम है चैप्टर का द लिटिल गर्ल. कठेराइन मांसफील्ड इसका राइटर है. हाउ मेनी चिल्ड्रेन डिड द मैकडोनल्ड्स हैव, मैकडोनल्ड्स पर कितने चिल्ड्रेन थे, 5 चिल्ड्रेन, 5 बच्चे. मैकडोनल्ड्स लुक्ड हैवी एंड बिग बिकॉज ऑफ हिज हैंड एंड नेक, हैंड और गर्दन, हाथ और गर्दन का वो बड़े और दिखते थे, हेवी दिखते थे. हु वॉज एलाइस, एलाइस कौन था, तो ए माइड सर्वेंट. वाट टाइप ऑफ माइंड केजियाज फादर वाज, तो केजियाज फादर कैसे आदमी था, तो ए फिगर ऑफ फेयर ऑफ फॉर हर, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा. केजिया वाज एफर्ड एफ्रेड ऑफ हर फादर, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा.
What gift did the grandmother suggest Kezia to give her father on his birthday? उसके बर्थडे पर क्या गिफ्ट देने का? A pin cushion. Question. A little girl's name was Kezia. Kezia compared her father to a giant. The cook's name in Kezia's house is Alice. Alice नाम था उसका कुक बाबरची का. The McDonald's lived next door. अगले डोर में McDonald's रहते थे. Kezia's father compared Kezia to Kezia को कंपेयर कर रहे थे a brown owl, उल्लू से. एक ब्राउन उल्लू से. Who tore up the papers regarding the father's great speech? Kezia. तीसरा ऑप्शन. Who did Kezia see in her dream? A butcher. Who was Kezia? A little girl. 15 नंबर क्वेश्चन है. Who was a figure of fear and avoided to the little girl? Kezia. Father. आंसर हो जाएगा इसका. Kezia should be taken to the doctor to check her stammering. Kezia found her mother dash after going to the drawing room reading है ना. Her mother reading after going to the drawing room. The name of smallest baby of McDonald's was Mao. सबसे छोटा बेबी Mao. तो ये 18 क्वेश्चन उस चैप्टर से बन सकता था. 18 क्वेश्चन का आंसर होगा. उसके बाद 3B रेन ऑन द रूफ कैट्स केनी. इसके द्वारा लिखा हुआ ये पोयम है. तो चलिए इसका क्वेश्चन देखते हैं. द पोयम रेन ऑन द रूफ वाज बीन रिटेन बाय कौन लिखा? तो कॉट्स केनी कीनी कॉट्स कीनी. व्हाट ब्रिंग्स द रेन? रेन क्या लाता है? तो रेन विंड लाता है. व्हाट डज द पोएट लाइक टू डू व्हेन इट रेन्स? तो ले डाउन. हु कम्स इन द मेमोरी ऑफ द पोएट इन द पोयम रेन ऑन द रूफ? मदर. इसकी मेमोरी में कौन आता है? माँ. वेयर डज द पोएट लिस्टेन द पैटर ऑफ द रेन ऑन द रूफ? रूफ में. हु आर द डार्किंग ड्रीमर्स? द फैंसीज ऑफ द पोएट्स मदर. तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा. सातवां क्वेश्चन है. वेयर डज द ह्यूमिड सॉड शेडोज होवर ओवर द स्टेरी स्फीयर? द पोएट रिमेंबर्स हिज मदर इन द पोएम रेन ऑन द रूफ. इसका आंसर हो जाएगा. अगला, वेयर इज द रेन मेकिंग ए नॉइज ऑन द रूफ? व्हाट इज द पोएट लिस्टिंग टू? क्या लिस्टिंग? पेटर ऑफ द रेन. हाउ डज द पोएट फील व्हेन ही प्रेसेस द पिल्लो? जॉय, खुशी. हु कम्स इन द पोएट्स मेमोरी? हिज मदर. ये एक और क्वेश्चन आया था इसके. तो चलिए, ये रहा उस बुक का ये सप्लीमेंट्री लीडर. इसमें आज पूरा चैप्टर जितना भी पढ़ना है सारा एक ही वीडियो इसी वीडियो में देने के प्रयास करते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. द लॉस्ट चाइल्ड पहला चैप्टर है. मुल्कराज आनंद द्वारा लिखा हुआ ये कहानी. तो इससे जो क्वेश्चन बनता है उसको देखते हैं. द लॉस्ट चाइल्ड वाज हैज बीन रिटन बाय, ये लिखा गया है मुल्कराज आनंद द्वारा. व्हाट डिड ए फ्लावर सेलर हॉक? ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर. द चाइल्ड स्टार्टेड पोयम आइड ओपन आइड. द चाइल्ड स्टार्ट ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी. तो देखिए, चैप्टर हम नहीं पढ़े हैं ना, किताब नहीं पढ़े, बस यहाँ पे हम तो मेन मैथ और साइंस पढ़ाते हैं, लेकिन बोर्ड एग्जाम के लिए सारा सब्जेक्ट का क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर दे रहे हैं किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है. तो सारा सब्जेक्ट हो गया है सोशल साइंस, SST, हिंदी सोशल साइंस, और उधर साइंस में तो है ये, और इंग्लिश भी कर दे रहे हैं. ठीक है, तो पढ़े नहीं हम किताब, इसीलिए कोई अगर होगा मिस्टेक गलती तो थोड़ा देख लीजिएगा, है ना. यहाँ पे जो वर्मा प्रेस में आंसर दिया वही हम बता रहे हैं. व्हाट थिंग्स फेल अपॉन द चाइल्ड? पहला ऑप्शन होगा ए शोवर ऑफ यंग फ्लावर.
पांचवा नंबर है द इन द स्टोरी द लॉस्ट चाइल्ड विच फेस्टिवल हैज बीन डिस्क्राइब्ड, कौन सा त्यौहार इसमें डिस्क्राइब किया गया है, द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। वाई वाज चाइल्ड क्राइंग, बच्चा क्यों रो रहा था, ही लॉस्ट हिज पेरेंट, वो अपने माता पिता खो गया था इसलिए रो रहा था। ए चाइल्ड वेंट टू ए खाली स्थान विथ हिज पेरेंट्स फेयर, मेला जाना चाहता था अपने पेरेंट्स। वाट स्वीट्स डिड द चाइल्ड वेंट टू हैव, बर्फी, बर्फी चाहते थे वो, खाना चाहते थे। ए स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग डैश टू ए स्नेक, ए फ्लूट टू ए स्नेक, तीसरा ऑप्शन होगा। द ड्रैगन फ्लाइज फ्लूटरिंग ओवर द खालिस्तान डैश फ्लावर, द मस्टर्ड फ्लावर। द चाइल्ड वॉज लॉस्ट इन द फेयर, मेले में खो गया। हाउ वॉज द लिटिल बॉय फीलिंग वाइल गोइंग टू द फेयर, फुल ऑफ लाइफ एंड लाफ्टर। द फेयर वॉज हेल्ड इन द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, तीसरा ऑप्शन होगा। द चाइल्ड्स आईज स्टिल लिंगर्ड ऑन द रिसीविंग टॉयज, खिलौना खेलते हुए बच्चे के आंख खुशी से भर गया है। हु लुक्ड एट द चाइल्ड रेड आइड फादर, द विंग्स ऑफ द ड्रैगन फ्लाइज वेयर ऑफ विच कलर, पर्पल कलर। अगला क्वेश्चन, द रेनबो ग्लोरी द सिलिकॉन कलर्स पोजेस्ड टू बैलून्स, हु प्लेड द फ्लूट, स्नेक चार्मर। हु वॉज देयर इन द फेयर इन फुल स्विंग राउंड अबाउट, हु इज द सर्जिंग क्राउड हैड द कैरी ऑफ द चाइल्ड ए मैन, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। अगला चैप्टर है सेकंड चैप्टर द एडवेंचर ऑफ टूटू, रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखा हुआ। हु वाज टूटू, तो टूटू एक प्रीटी मंकी था, एक बंदर। द एडवेंचर ऑफ टूटू हैज बीन रिटन बाय, कौन लिखा है इसको, तो रस्किन बॉन्ड। वेयर डिड टूटू टेक हिज शेल्टर, इन द स्टेबल, सेकंड क्वेश्चन आंसर सेकंड ऑप्शन होगा। हु बाउट टोटो फ्रॉम ए टोंगा ड्राइवर, टोंगा ड्राइवर ग्रैंड फादर ने टोटो बोला है। ग्रैंड फादर बाउट टोटो फ्रॉम ए टोंगा ड्राइवर। हु इज ए पोएट पेट एनिमल इन द एडवेंचर स्टोरी, टोटो एनिमल था पालतू। द टिकेट कॉल्ड टोटो, टिकेट कॉल्ड टोटो ए डॉग, कुत्ता कहता था। टोटो एंड नाना नेवर कम्स फ्रेंड बिकम फ्रेंड, वो कभी दोस्त नहीं बना। नाना वाज ए फैमिली डोंकी, डोंकी था गधा। फोर हाउ मच मनी ग्रैंडफादर सोल्ड टोटो बैक टू टोंगा ड्राइवर, कितना रुपये में खरीदा था, तो 3 रुपीज। फोर हाउ मच मनी वाज टोटो बाउट, टोटो कितना में खरीदे, 5 रुपीज बेचा, 3 रुपीज में खरीदा था, 5 रुपीज। वॉट वॉज द कलर ऑफ टोटो, टोटो कलर रेड। ग्रैंड फादर डिसाइडेड टू कीप टोटो इन प्राइवेट जू, प्राइवेट जू में रखने का सोचा। वॉट वॉज द कलर ऑफ टोटोज टीथ, टोटो प्योरली वाइट था। हु ऑलवेज फोक्स्ड ऑन ब्रिंगिंग सम न्यू बर्ड एनिमल एट होम, ग्रैंड मदर। टोटोज प्रेजेंस एट होम वॉज केप्ट सेक्रेट एंड बी हिडेड फ्रॉम ग्रैंड मदर, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। ए बिग ब्लैक कैनवास काइट बैग वॉज प्रोवाइडेड फ्रॉम होम, टोटो इसका आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन। फॉर हाउ फार डिड टोटो रिमेन इन ए बैग, इन द बैग, तीसरा ऑप्शन होगा सहारनपुर। हु डिड क्लासीफाई टोटो एज ए डॉग, टिकट कलेक्टर डॉग क्लासीफाई किया। हु एड गोट टू बिकम नियरबी हाफ बॉइल्ड इन द कीटल, जिसका हो जाएगा टोटो। ठीक, तो ये रहा 20 क्वेश्चन, तो इस बुक से इतना ही पढ़ना था, 2 ही चैप्टर। तो चलिए पूरा दोनों बुक का हो गया पूरा कंप्लीट क्वेश्चन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस इंग्लिश ग्रामर और पैसेज का वीडियो लेकर के, ठीक है।
थैंक्स फॉर वॉचिंग.